आप डिसाइड करो जी, आप जल्दी डिसाइड करो क्या करना है। तोड़ो, खत्म हो गया, तोड़ो, आप तोड़ो। ये देखिए आप जो लोग यहाँ पर हंगामा कर रहे हैं, उन लोगों को ये डायमेंशन दे रहे हैं। किसी का 60 फुट है, किसी का 40 फुट है। जमकेश का कितना है? 60 फुट है। उसको हाथ नहीं लगाया, हमारा 80 फुट से ऊपर 3-4 फुट का फर्क है। बोले पूरी बिल्डिंग तोड़ दो। ये उन लोगों को यहाँ पर जो लोग नहीं मान रहे, तो उनके साथ पुलिस किस तरह से व्यवहार कर रही है ये आप देखें। ये यहाँ पर इनको उठा के गाड़ी में डाला जा रहा है। ये जस्टिस है क्या? ये कौन सी जस्टिस है? ये तो ये सारी आपकी सारी बिल्डिंग तोड़ रहे हैं। आगे का नीचे का पूरा 8 फुट बोलते हैं, नीचे से तो ऑटोमेटिक ऊपर भी जाएगी वो। जब बनाए हमने, जब आपने किया है, हमने जब बनाया तो ये कहाँ थे? डेली हर 3-4 महीने के बाद ही साहब मेरे को बनाई। मैं बताइए, आप बताइए, आप इंक्रोचमेंट कर रहे हो। आपने कहाँ थे? आप कहाँ थे सर उस टाइम जब बनाया था? आपने बनाया क्यों? आपको मालूम नहीं यहाँ रेस्टोरेंट काम में लगा हुआ है? पता नहीं कब से बनाया, कब से बनाया आप? अभी कहाँ से आया? ये नहीं बात चलेगी। आपने टाइम लेना था, मिस गाइड कर दी। मिस गाइड नहीं कर रहे हम, मिसकंसेप्शन नहीं है। तब कुछ दिया था। अच्छा सर, जिस शख्स को अभी डिटेन किया गया वो कर क्या रहा था? ये बदतमीजी कर रहा था नेशनल हाईवे अथॉरिटी से। देखो, इलीगल इंक्रोचमेंट करने के बाद चोरी करके फिर जीना चोरी, तो आपकी कोई ग्रीवेंसेस है, कोई प्रॉब्लम है, अपने आराम से प्यार से रखो। अथॉरिटी के साथ बदतमीजी नहीं की, अच्छी नहीं। ये लोग जब बना रहे थे, जब नहीं, ये डेली चेंज होते हैं साहब, डेली चेंज पार्टी होती है। एक आता दूसरा जाता, एक आता किसी 60 फुट, किसी 40 फुट 50। हमारे का अभी कोई 3 फुट का फर्क है। बोलते हैं इसको डेमोलिशन कर दो, हमने वो टाइम दे दो, वो भी कर लेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपक सिंह दैनिक शेर समाचार से। इस वक्त हम छन्नी हिम्मत के रास्ते पर हैं। यहाँ पर हाईवे के ऊपर जिन लोगों ने इलीगली इंक्रोच किया हुआ है, उन्हें उन जगहों को डिमोलिश किया जा रहा है। ये देखें आप, जेसीबी जो है यहाँ पर जेसीबी लेकर जाया जा रहा है। और इस तरफ तस्वीरें देखेंगे आप, ये देखें, यहाँ पर तस्वीरें देखेंगे तो यहाँ पर ये लोग, इन लोगों ने तारें लगाकर, छोटे छोटे खंभे लगाकर प्रॉपरली इंक्रोच किया है जगह को, और अब ये यहाँ से इनको हटा रहे हैं। ये अरुण, ये तस्वीरें दिखाओ, ये देखें, ये हटा रहे हैं यहाँ पर, ये सारा सामान जो है वो हटा रहे हैं। यहाँ पर एक झोंपड़ी भी इन्होंने बनाई थी, वो भी हटा रहे हैं। और यहाँ पर पुलिस बल भी लगाया गया है ताकि लोग हल्ला गुल्ला ना करें। और ओनर कौन है क्या नहीं है, यहाँ पर ये समझना मुश्किल है। लेकिन ये देखें आप, किस तरह से यहाँ पर ये सारा, जिन लोगों ने भी इंक्रोच किया है, उस इंक्रोचमेंट को इन लोगों से छुड़ाया जा रहा है। इतना ज़रूर हम कहना चाहेंगे कि लोग जब जिसको मौका मिलता है तो वो धीरे धीरे इंक्रोच करता रहता है, और धीरे धीरे अपनी थोड़ा जुरिडिक्शन बढ़ाता रहता है कि यहाँ थोड़ी सी और बढ़ जाए, थोड़ा सा और, थोड़ी सी और जगह जो है उनके हाथ आ जाए, थोड़ा और काम को बढ़ा लेंगे, थोड़ा और कुछ कर लेंगे। लेकिन अब ऐसा चलेगा नहीं, और हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी अब एक्शन में है। और ये देखें आप, किस तरह से यहाँ पर तोड़फोड़ की जा रही है। लोगों ने बोर्ड वगैरह लगाए हुए हैं और इन बोर्ड्स को भी तोड़ा जा रहा है।
हमारे साथ नायब तहसीलदार हैं मोहम्मद सलीम जी, जो बहू के नायब तहसीलदार। अच्छा सर, इस डिमोलिश के बारे में हमें थोड़ा बताएं। ये एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव है नेशनल हाईवे 44 की तरफ से। ये काफ़ी लंबे समय से ये इंक्रोच हुए थे पहले पे? टाइम टू टाइम ये चलती रहती है। जब भी कभी इंक्रोचमेंट कोई करता है तो साथ के साथ हम रिमूव करते हैं। इंक्रोचमेंट हाईवे पे बेयर नहीं की जाएगी। रसूखदार लोगों ने इंक्रोच किया हुआ है कि कोई गरीब गुरबा लोग हैं? रसूखदार और ये मैटर नहीं करता है। इंक्रोचमेंट इंक्रोचमेंट है, चाहे कोई बड़ा आदमी करे हो चाहे छोटा आदमी करे, इंक्रोचमेंट बेयर नहीं की जाएगी। तो ये अभी ड्राइव कहाँ तक चलेगी? ये ड्राइव मैं नायब तहसीलदार बहू, हमारी जुडिशन तहसील बहू है, तहसील बहू से हमारे एंड तहसील बहू जो है नरवाल चौक आता है, उसके बाद तहसीलदार जम्मू की जुडिशन स्टार्ट होती है, ये चलेगी कंटिन्यू। अच्छा, हाईवे की जितनी भी है ये चलेगी। तो इन लोगों को पहले इन्फॉर्म किया गया था? इन लोगों को मैसेज किया गया है, लेकिन टाइम टू टाइम ये जितनी बार इनको रिमूव करो ये फिर आते हैं, तो हम साथ के साथ इसके रिमूव करते रहते हैं। ये कॉपरेट कर रहे हैं कि हंगामा कर रहे हैं? बिल्कुल कॉपरेट कर रहे हैं। ये आरजी तौर पे ये अपने गमले वमले बेचने के चक्करों में रहते हैं, तो जैसे इनको मना करो कि भाई ये नहीं करनी है तो ये उठ के चले जाते हैं। थोड़े दिनों के बाद फिर आ जाते हैं। अब ये आपको पता ही है, लेकिन हमारा ये है नेशनल हाईवे अथॉरिटी का और एडमिनिस्ट्रेशन का ये है कि साथ के साथ रिमूव करना, इंक्रोचमेंट होने नहीं देने। हाईवे नेशनल हाईवे अथॉरिटी और तहसील बहू मिलकर, या हम यूँ कहें एडमिनिस्ट्रेशन मिलकर ये ड्राइव चला रहे हैं। जिन लोगों ने भी इंक्रोच किया है हाईवे के ऊपर, उन लोगों को यहाँ से हटाया जा रहा है, और ये नहीं देखा जा रहा कि कोई रसूखदार है जिसने इंक्रोच किया है या कोई गरीब है। और ज़्यादातर ये गमले वगैरह बेचने वाले लोग हैं, ये छोटे इनसे। अच्छा, मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मुस्लिम अली। ये सारा एरिया आपका आपने कवर किया हुआ था? नहीं नहीं, हमने नहीं कवर कर रखा था, ये दूसरे हैं, हमने उस फ्लैट में रहते हैं। अच्छा, क्या क्या काम कर रहे थे आप यहाँ पर? हम नर्सरी का काम करते हैं। नर्सरी का? तो ये आपने पूछ के किया था कि वैसे ही काम शुरू कर? फॉरेस्ट वालों ने किया, हमने नहीं किया है। अच्छा, फॉरेस्ट वालों ने किया? आपको फॉरेस्ट वालों ने कहा कि आप यहाँ काम करो? फॉरेस्ट वालों ने खुद किया है। अच्छा, फॉरेस्ट वालों ने खुद ही ये आगे बढ़ाया है? ये खंभे बम्बे ये दिखाओ सामने, ये सब फॉरेस्ट वालों ने किया खंभे। अच्छा, तो अभी ये जहाँ से आपको हटा रहे हैं, तो आपने इन्होंने आपको इन्फॉर्म किया था? नहीं। अच्छा, अचानक आ गए? तो फिर अभी आप खुद ही हटा, अभी अपना सामान जो है वो अंदर रखे? हाँ हाँ, हटा लिया खुद। तो जब ये चले आएंगे तो फिर आप रखेंगे सामान? नहीं, क्या करेंगे, बार बार उठाना पड़ता है, हटाना पड़ता है, क्या फायदा रखने का। तो अभी क्या मतलब आपका और भी? अभी हमारा तो कुछ नहीं, वैसे हमारा जो थोड़े से गमले थे हमने अंदर कर लिया। अच्छा, बस हमारा काम खत्म, हमारा कोई रोल नहीं है। अभी आप कहाँ काम करें, कहाँ कहाँ काम करेंगे? उस प्लाट में कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ अंदर है प्लाट, वहाँ काम चल जाएगा आपका? हाँ हाँ, गुजारा हो जाएगा। कोई परेशानी तो नहीं? परेशानी तो है, पर अब क्या करेंगे। ये किसका है? थोड़ा सामने से ना दिखे तो बेकार है। अच्छा, सामने दिखना चाहिए। बाकी मतलब बाहर दिखना चाहिए कि सामान रखा हुआ है, तब बिकता है, लोग आते हैं। लोग आते हैं। अच्छा, तो अभी फिर अंदर आएंगे लोग? अभी मुश्किल ही, लोगों को पता ही नहीं चलेगा। अच्छा, ये इसी तरह का आगे भी आप ही के लोग तो नहीं आगे? नहीं नहीं, अपने जम्मू के भी, बाहर के लोग भी हैं, रल मिल के लोग काम कर रहे हैं। खाली पड़ी रोड। छन्नी हिम्मत हाईवे के ऊपर हैं हम, और ये आप देखें यहाँ पर पीछे ये ड्राइव जो है वो चलाई जा रही है, और ये एक होंडा का शोरूम है, डायमंड होंडा, और इन लोगों ने भी अपनी सीढ़ियाँ थोड़ी आगे बढ़ाई हुई हैं, एरिया थोड़ा सा कवर किया हुआ है, तो अब इसको भी तोड़ा जा रहा है। इसमें ज़रूर हम कहना चाहेंगे कि गरीब अमीर यहाँ पर देखा नहीं जा रहा है, और ये देखें आप किस तरह से यहाँ पर तोड़ फोड़ की जा रही है। इन लोगों ने धीरे धीरे देखा कि यहाँ पर कोई नहीं आ रहा, कोई हमें देख नहीं रहा, तो धीरे धीरे अपना थोड़ा एरिया बढ़ाते रहते हैं, शान और शौकत दिखाते रहते हैं, और धीरे धीरे क्या ऐसा भी भरोसा नहीं है, अगर इनके ऊपर एक्शन ना हो तो क्या पता रोड ही इंक्रोच कर लें। इन लोगों में लोभ लालच जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ये देखें, इसे भी अब
इसे भी तोड़ने लगे हैं। ये देखें, ये पक्का किया हुआ है, लुक डाल के से तारकोल डाल कर इसे पक्का किया गया है। और ये देखें, यहाँ पर ये इसको तोड़ा जा रहा है। ये देखें कितनी ज़मीन जो है वो हाईवे की इन लोगों ने कवर की हुई है, और अब एक्शन हो रहा है। और हम आपको बताएं, पिछले दो तीन दिन से लगातार ये ड्राइव चलाई जा रही है नरवाल चौक तक, क्योंकि तहसील बहू का जो एरिया है उसके मुताबिक ये नरवाल चौक तक चलाई जाएगी। उसके आगे जो दूसरे तहसीलदार हैं वो आगे देखेंगे, लेकिन ये जो लोग जिन लोगों ने इलीगली इंक्रोच किया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी की ज़मीन को इंक्रोच किया है, अपनी यूरिडिक्शन बढ़ाई है धीरे धीरे, तो उन लोगों को अब बख्शा नहीं जाएगा। हम आप खुद चेक करेंगे, इनके ऊपर हमें भरोसा नहीं है। किसी का 60 फुट है, किसी का 40 फुट है। जमकेश का कितना है 60 फुट है, उसको हाथ ने लगाया, हमारा 80 फुट से ऊपर 3-4 फुट का फर्क है, बोले पूरी बिल्डिंग तोड़ दो। ये जस्टिस है क्या? ये कौन सी जस्टिस है? ये सारी आपकी बिल्डिंग तोड़ रहे हैं। आगे का नीचे का पूरा 8 फुट बोलते हैं, नीचे से तो ऑटोमेटिक ऊपर भी जाएगी वो। हमने जब बनाया तो ये कहाँ थे? डेली हर 3-4 महीने के बाद ही साहब मेरे को बनाई। मैं बताइए, आप बताइए, आप इंक्रोचमेंट कर रहे हो, आपने कहाँ थे? आप कहाँ थे सर उस टाइम जब बनाया था? आपने बनाया क्यों? आपको मालूम नहीं यहाँ रेस्टोर काम में लगा हुआ है? पता नहीं कब से बनाया, कब से बनाया, आप कहाँ से आया? ये नहीं बात चलेगी, आपने टाइम देना था। मिस गाइड कर रही, मिस गाइड नहीं कर रहे हम, मिसकंसेप्शन नहीं है। तब कुछ दिया था आपने जब बना रहे थे? जब नहीं, ये डेली चेंज होते हैं साहब, डेली चेंज पार्टी होती है, एक आता दूसरा जाता, एक आता किसी 60 फुट, किसी 40 फुट 50। हमारे का अभी कोई 3 फुट का फर्क है, बोलते हैं इसको डेमोलिशन कर दो, हमने बोला टाइम दे दो, वो भी कर लेंगे। टाइम तब कुछ लेते कि वो लेते हैं सर, सबसे लेते, क्यों नहीं लेते? ये इतने तो है, वो दूध के धोए थोड़ी है। हम आपने भी दिया था? हमने सर उस टाइम दिया था, उस टाइम पार्टी जैसे ये देखिए आप, जो लोग यहाँ पर हंगामा कर रहे हैं उन लोगों को जिन लोगों ने इल्लीगल इंक्रोच की है यहाँ पर जगह, उन लोगों को यहाँ पर जो लोग नहीं मान रहे, तो उनके साथ पुलिस किस तरह से व्यवहार कर रही है ये आप देखें। ये यहाँ पर इनको उठा के गाड़ी में डाला जा रहा है, और ये लोग विरोध कर रहे थे, और ये लोग ये भी कह रहे थे कि जब ये बिल्डिंग बनाई तब ये लोग कहाँ थे, अब अचानक ये कहाँ से आ गए हैं, और हमें कोई टाइम नहीं दिया गया है, हमारी पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है वो तोड़ने की बात की जा रही है। तो इन लोगों को यहाँ पर गाड़ी में बिठाया गया। ये देखें, ये देखें, ये अब पूरी की पूरी बिल्डिंग है शायद गिराने का की तैयारी की गई है। जिस बिल्डिंग को अभी यहाँ पर गिराया जा रहा है, इसमें चतुरता देखें आप लोगों को कि लोग कितने शातिर और कितने दिमागदार हैं। शटर अंदर है दुकान का,
और दीवार भी अंदर है, लेकिन बाहर देखें पूरा टेंट वगैरह लगाकर आगे इसको बढ़ाया गया है प्रॉपरली, एक सेटअप बनाया गया है। बहुत तरीका है कैसे किसी चीज़ को इंक्रोच करना है, तरीका पूरा है। और ये आगे देखें किस तरह से बढ़ाया हुआ है। सर, जिस शख्स को अभी डिटेन किया गया वो कर क्या रहा था? ये बदतमीजी कर रहा था नेशनल हाईवे अथॉरिटी से। देखो, इलीगल इंक्रोचमेंट करने के बाद चोरी करके फिर जीना चोरी, तो आपकी कोई ग्रीवेंसेस है, कोई प्रॉब्लम है, अपने आराम से प्यार से रखो। अथॉरिटी के साथ बदतमीजी नहीं की, अच्छी नहीं। ये लोग ये भी कह रहे हैं कि हमें कोई नोटिस, हमें कोई बताया नहीं गया, अचानक आ गए। अथॉरिटी देखो, आपके सामने ये कंस्ट्रक्शन लगी हुई, बांस लगे हुए हैं, तो ये करंट की स्कीम इंक्रोचमेंट चल रही है, अभी के अभी रिमूव कर दी। एक बात और हमें देखने में आ रही है कि इसके शटर वगैरह तो पीछे हैं, लेकिन ये हम बड़ा नहीं कर रहे हैं, जो हाईवे अथॉरिटी की जो इंक्रोचमेंट है बस वही रिमूव। हम ये कह रहे हैं कि चतुरता है, बहुत शातिर हैं लोग। नहीं नहीं, इंक्रोचमेंट देखो ना, आपके सामने ही है सारा, सब आपके सामने पिक्चर है। जो लोग ये जिस तरह से विरोध कर रहे थे, इन लोगों के ऊपर फिर क्या एक्शन होगा? नहीं, विरोध कोई नहीं कर रहा अभी तक, तो सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं। लोगों को पता है हमने इंक्रोचमेंट की है, प्रेशर प्रैक्टिस से ही अपना काम बात बनवाना चाहते हैं, बस इतनी सी बात और कोई बात नहीं। अंत में हम एक सवाल आप सबसे पूछना चाहते हैं कि जो भी लोग ये इंक्रोचमेंट करते हैं, उन लोगों से ये सवाल है, क्या फ़ायदा हो रहा है? तो फ़ायदा हो रहा है, बेइज्जती भी हो रही है, और इसके अलावा जो इंक्रोच किया था वो भी तोड़ा जा रहा है, तो बेनिफिट क्या हुआ? इस तरह की जितनी भी इंक्रोचमेंट नेशनल हाईवे पर हुई है, उनको अब बख्शा नहीं जाएगा, उन लोगों को भी बख्शा नहीं जाएगा, और इंक्रोचमेंट भी हटाई जा रही जाएगी, जो हमें नायब तहसीलदार ने कहा, उनका जहां तक उनका एरिया है वहां तक ये हटाई जाएगी। उसके आगे ये हमें लगता है कि हर जगह जहां पर भी इंक्रोचमेंट हुई है वो सारी की सारी धीरे धीरे हटा देनी चाहिए, क्योंकि लोगों ने बहुत ज़्यादा तांडव जो है वो मचाया हुआ है। बाकी आप लोग अपनी राय ज़रूर रखें और देखते रहें दैनिक सर समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।